मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक से रेखा आर्य का बायकॉट। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कार्मिक विभाग पर दादागिरी का आरोप लगाया है। रेखा आर्य का आरोप है कि सुझाव आधे अधूरे ढंग से शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से हम दे रहे हैं, जहां पर रेखा आर्य की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि सुझाव आधे अधूरे ढंग से शामिल किए गए हैं और इसी के चलते उन्होंने इस बैठक से बायकॉट किया है। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक से रेखा आर्य ने बायकॉट करते हुए दादागिरी का आरोप लगाया। तो राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कार्मिक विभाग पर ये आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि सुझाव आधे अधूरे ढंग से शामिल किए गए हैं और इसी के मद्देनजर बैठक से रेखा आर्य ने बायकॉट किया है और कार्मिक विभाग पर दादागिरी का आरोप लगाया। ब्यूरो चीफ पंकज पवार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक से रेखा आर्य का बायकॉट। देखिए, रेखा आर्य का बायकॉट इसलिए भी लाजमी था क्योंकि वो रोस्टर से जुड़ा हुआ मसला था और रोस्टर का मतलब आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला था। ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मसले पर कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं वो नाराज हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो तमाम विधायक और मंत्री हैं वो अब सरकार पर दबाव बनाने लगे हैं कि इस मसले पर सरकार कोई फैसला ले, जो प्रमोशन पे आरक्षण का मसला है उस पर सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला ले। तो ऐसे में ये जो बैठक की भी रोस्टर को लेकर थी, उसमें ये तय होना था कि आखिरकार जो आरक्षण का जो पहला जो नियुक्ति का पहला पद है उसमें आरक्षण किसको लगेगा, क्या जनरल वाले को आरक्षित किया जाएगा या फिर ST ST वाले को आरक्षित किया जाएगा। तो उसको देखते हुए जो रेखा आर्य का कहना है कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कार्मिक विभाग को, लेकिन उन सुझावों को उसमें शामिल नहीं किया गया है, जो बिनेट सुनाए गए थे उसकी वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और बैठक में शामिल नहीं हुई। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो तमाम ST ST से जुड़े हुए विधायक हैं वो अपना दबाव बनाने में जुट गए हैं। जिस तरीके से जनरल OBC कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस पूरे मसले पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी अगर जो प्रमोशन में जो प्रमोशन खोले नहीं गए, तो ऐसे में आज भी उनका आंदोलन है और 14 तारीख को भी आंदोलन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक दूसरे को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से ये आरोप लगाया है कि सुझाव आधे अधूरे ढंग से जो है वो शामिल किए गए हैं और इसी आधार पर उन्होंने बैठक का बायकॉट किया है। लेकिन अब जिस तरह से रेखा आर्य ने सवाल खड़े किए, नाराजगी जाहिर की है, तो क्या इस नाराजगी पर कहना अधिकारियों का? साफ तौर पर क्योंकि बैठक जो थी वो मदन कौशिक जो प्रदेश में मंत्री है उनकी अध्यक्षता में थी, हालांकि उन्होंने समझाने बचाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश यही है जो रेखा आर्य के भी की मंशा थी कि कहीं ना कहीं उनका जो विरोध है वो दिखाई दे, वो चाहे आरक्षित वर्ग के जो तमाम कर्मचारी हैं उनको दिखाने की कोशिश रेखा आर्य की कि हम वो उनके साथ हैं, आरक्षण से जुड़े हुए जो तमाम मसले हैं। और कल की जब ये बैठक हुई थी उसमें आरक्षित वर्ग के कई विधायक भी वहां पर बैठे हुए नजर आए, तो कुल मिलाकर इसमें राजनीति की साफ तौर पर नजर आती है और ये सबसे बड़ा जो मसला है प्रमोशन में आरक्षण का, उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन इस बैठकों में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो आरक्षित वर्ग के जो मंत्री और विधायक हैं वो इस बात से नाराज हैं कि सरकार इस मसले पर कोई बैठक क्यों नहीं ले रही है। चलिए, विधानसभा में बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।